कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं PNG ज्वेलर्स। हॉलीवुड फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस से पॉपुलर हुए मशहूर हॉलीवुड एक्टर विन डीजल इन दिनों एक विवाद में फंस गए हैं। विन डीजल की पूर्व सहायक एस्टा जॉनसन ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2010 में उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। विन डीजल के खिलाफ लॉस एंजल्स कोर्ट में भी मुकदमा दायर किया गया है। वर्ष 2010 में विन डीजल और एस्टा जॉनसन ने फिल्म फास्ट 5 के लिए एक साथ काम किया था। पीड़िता ने शिकायत में दावा किया है कि उसका अटलांटा होटल में फिल्मांकन के दौरान यौन उत्पीड़न किया गया। लॉस एंजल्स की कोर्ट में दायर शिकायत के मुताबिक विन डीजल ने एक होटल में एस्टा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। एस्टा के शारीरिक रूप से अतरंग होने से इनकार कर दिया था, बावजूद विन डीजल ने उसे नजरअंदाज कर उनका यौन उत्पीड़न किया। एस्टा के वकीलों द्वारा कोर्ट में दायर की गई शिकायत में इस घिनौनी घटना का पूरा विवरण बताया गया है। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद में सुरक्षा चूक के आरोपी ललित झा की पुलिस हिरासत 5 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है। शुक्रवार को ललित झा की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने पुलिस हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है। बता दें कि आज ललित झा की पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने 15 दिनों की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए ललित झा की हिरासत बढ़ाने की जरूरत है। बता दें कि कोर्ट ने ललित झा को 15 दिसंबर को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। ललित झा को 14 दिसंबर की रात को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ललित झा ने ही इस घटना को अंजाम देने के लिए योजना बनाई थी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया को भी नया साल जेल में मनाना पड़ेगा। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दिया है। अभी सिसोदिया को 19 जनवरी 2024 तक के लिए तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने आरोपियों के वकील को CBI मुख्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया है। कोर्ट ने CBI को निरीक्षण की सुविधा के लिए पर्याप्त अधिकारी तैनात करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के समय के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व मंत्री को 3 साल की जेल की सजा के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार राकेश धर त्रिपाठी मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे थे। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे थे। इस मामले की सुनवाई MP MLA स्पेशल कोर्ट में चल रही थी। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सुनवाई अब 4 जनवरी को होगी। आज शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश अंबुज नाथ की कोर्ट में इस मामले पर आंशिक सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता भाजपा नेता नवीन झा की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और विनोद साहू ने अपनी दलील पेश की। ये मामला साल 2018 का है, जब दिल्ली के कांग्रेस महाधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं। इसी बयान का हवाला देते हुए नवीन झा ने निचली अदालत में वर्ष 2019 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसी साल मई माह में अंबुजनाथ की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए दोनों पक्षों को दलील का सारांश दाखिल करने का निर्देश दिया था। बता दें, झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के कुल 3 मामले चल रहे हैं। 2 मामले इसी से जुड़े हैं, जबकि 1 मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व संबंधी विवाद में मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। मंदिर पक्ष की ओर से 5 मामलों में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भक्ति वर्धन सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाली गई है।
स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से निकट मित्र विजय शंकर रस्तोगी के जरिए कैवियट दाखिल की गई। बता दें, कैवियट दाखिल करने का मतलब होता है कि संबंधित मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले अदालत कैवियट दाखिल करने वाले पक्षकार को भी सुने, जिससे कोर्ट की तरफ से कोई एक तरफा आदेश जारी ना हो सके। आखिरी खबर सुप्रीम कोर्ट में पूरे वर्ष निपटाए गए मामलों से जुड़ी है। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जानकारी देकर बताया कि ऑन रिकॉर्ड मामलों का निपटारा करने के मामले में उन्होंने इस साल दर्ज मुकदमों से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। इससे पता चलता है कि अदालत न्यायपालिका की लंबे समय से चली आ रही बड़ी समस्या यानी कि लंबित मामलों को निपटाने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर तक 52,191 मामलों का निपटारा किया, जबकि इस साल 49,191 नए मामले दर्ज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे देश के कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी कर कहा कि एक अन्य उपलब्धि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1 जनवरी 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक 52,191 मामलों का निपटारा करने में सक्षम रहा है, जिसमें 45,642 विविध मामले और लगभग 6,549 नियमित मामले शामिल हैं। कोर्ट से जुड़ी प्रतिदिन की कार्यवाही से अपडेट रहने के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम देखें और वीडियो को शेयर करें।